ਪਲਾਨ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਿਟਰਨ ਚ ਦਿਵਾ ਕੇ ਉਹ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਚ ਮਿਲਿਆ ਦੇਵੋ ਆਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਈ ਹੁੰਨਾ ਅਗਰ 30 ਤਰੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਦਾ ਕਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿ੮ਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਥਾ ਹੈ ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੇ ਕੁਸੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰੋ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ 20 ਤਰੀਕ ਆਖਿਆ ਨਾ 20 ਤਰੀਕ ਮੈਂ ਮੈਡਮ 25 ਦੇ ਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ 25 ਦੇ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੀ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੈ 52 ਬਰਗੇਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਰ ਨੇ ਨਾ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਮਾਂਡਰ ਸਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਰਹੀ ਗਏ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੜੇ ਆਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਲੋਕੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਉਹ ਚਲੋ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਪੱਕਾ ਫਾਈਨਲ ਇਹ ਬਾਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਨੇ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਐਸ ਟੀ ਐਮ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ ਸਭ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਰੱਖੀ ਲਓ ਵੀ ਆਹੀਂ ਦੀ ਸਮਾਸ਼ਨ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ पीछे थोड़ा सा हमने फिलिंग करवाई थी तब भी जबरदस्ती वो करवाई थी थोड़े पानी से आप लोग बच गए थे अब इस बार 20 अगस्त से जो है अच्छा काम होगा आपकी मार्केट ओके हो जाएगी सर आज का जो प्रोटेस्ट था हमारा मैं सबसे पहले तो आपको अपना परिचय देना चाहूंगी मैं सरपंच प्लान वाला लोअर गीता देवी आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था वो रोड को लेके था हमारे लोग 10 साल से सफर कर रहे हैं आज जस्ट हमारे जो मेयर मार्केट की कमेटी थी वो इकट्ठे हुए थे वो इतने परेशान हैं रोड को लेके हद से भी ज़्यादा क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारियों की जड़ ये डस्ट बन रही है और दूसरा मुद्दा जो हमारा था वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है 2 साल से हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर RNB डिपार्टमेंट ने अनसेफ डिक्लेयर किया हुआ है जहाँ पे LG सर का प्रोग्राम हुआ हम LG सर के सामने हमारी जो सबसे मेन जो इशू रखा था हमने जो मेन डिमांड थी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और रोड को लेके थी उसके बाद DC मैम आए हुए थे अभी 15 दिन पहले मैं डिपकॉम सर से भी मिल के आई हुई हूँ लेकिन स्टिल आज तक हमारा जो हॉस्पिटल का और रोड का कुछ भी नहीं हुआ तो इसमें मैं तो सीधा सीधा डायरेक्टर हेल्थ जो डिपार्टमेंट की डायरेक्टर मैम है उनको ब्लेम करना चाहूँगी उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ तो मैं आज मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि लोगों ने जितनी कोशिश हो सकती थी हमने हर किसी को रिटर्न दिया लेकिन आज लोग प्रोटेस्ट पे क्यों उतर आए क्योंकि उनकी नहीं सुनी जा रही है तो आज मीडिया के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगी LG सर को प्लीज़ सर लोगों की बातें सुने ये उनकी एक जनरल डिमांड है क्योंकि हम बॉर्डर एरिया पे रहते हैं 0 लाइन बॉर्डर पे हैं हॉस्पिटल हमारी सबसे मेन मुद्दा है और रोड जो है वो भी बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए हाँ SDM सर ने ये तो बात करवाना चाहिए थी सबसे पहले DC सर से DC सर कहीं मीटिंग में बिजी थे उसके बाद OC सर से बात हुई है उन्होंने मुझे ये कहा है कि 20 अगस्त से आपका जो रोड का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा तो उनसे हमने रिटर्न में लेने के लिए कहा होगा वो आज हमें रिटर्न में भी दे देंगे आप भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं केंद्र में आपकी सरकार है आज यहाँ पे आश्वासन आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देके जा रही है आपके केंद्रीय मंत्री तक बोल के गए हैं आपको कितना विश्वास है आप इस एडमिनिस्ट्रेशन पे देखिए सर अगर मैं भाजपा से बिलोंग करती हूँ भाजपा बड़े अच्छे से काम कर रहा है आपने देखा है जम्मू में कितने हाईवे बन रहे हैं हमारे जहाँ से मैं वही मैं आपकी यही बात मैं आपको कहना चाहती हूँ इस साइड से लेके ऊपर वाला रोड देखिए 4 लेन वो सेंक्शन हो चुका है यहाँ पे हमारे लोगों का रोड नहीं बन रहा है तो यही तो चीज है जम्मू डिफेंस के अंदर आता है मैम सेंटर का ये प्रोजेक्ट है डिफेंस के अंदर आता है
क्या कहेंगे केंद्र में? सर, हम सभी के साथ आज यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर हर जगह काम हो रहा है तो हमारे प्लानवाला में भी काम कीजिए। कितना यकीन है आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे यकीन है तभी तो आज देखिए सर, अटल नहीं रह सके। अनुराग ठाकुर जी पिछले दिनों आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि डीडीसी इलेक्शन के तुरंत बाद हफ्ते के बाद काम शुरू हो जाएगा। नहीं है कि काम नहीं स्टार्ट होगा, अभी भी तो उन्होंने 20 अगस्त का टाइम दिया है। उन्होंने कहा है सिर्फ माइनिंग की वजह से हमारा आप लोगों का, अगर अब काम शुरू नहीं हुआ तो वो हम देखेंगे आगे हमने क्या स्टेप उठाना है।